नमस्कार दोस्तों, और आज आप मिलिए नूरुद्दीन, है ना, यही नाम है आपका पूरा? जी, हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। नूरुद्दीन जो है आर्ट कॉन्जर्वेटर है और इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और इसी कॉन्जर्वेशन फील्ड के ऊपर, पेपर कॉन्जर्वेशन पर। और मैं और नूरुद्दीन जो हैं कुलीग्स हैं आपस में। हम पिछले 11 सालों से, सॉरी 2011 से एक साथ काम करते आए हैं। अच्छी हम लोगों की कोऑर्डिनेशन रहता है काम में। तो हुआ क्या दोस्तों, जब नूर काम करवाता है तो उसकी एक खासियत यह है कि वो बहुत अच्छी अच्छी ना, जैसे हम लोगों में होता है ना कि अच्छी कोई सेइंग्स कहना या मोटिवेशनल बातें करना, इस तरह की इसकी आदत है। तो आज हम काफ़ी हैवी काम कर रहे थे, लोहे की छड़ों से काम कर रहे थे, बड़े बड़े रैक्स बना रहे थे, और हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए नूर ने बातों बातों में एक कहानी सुनाई। और वो कहानी मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैंने नूर से, मैं इसको नूर बुलाती हूँ, नूर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ये कहानी आप मेरे व्यूवर्स को भी सुनाइए। तो नूर, क्या कहानी थी? कहानी ये थी, कहानी का टाइटल था चतुरश्य चोरा। चतुरश्य चोरा, ठीक, चतुर चोर, ठीक है। तो एक बार एक राजा ने, चार कैदी आए वहाँ पर चोरी करते हुए पकड़े गए थे, और जब वो उनकी चोरी कंफर्म हो गई, राजा ने इन्वेस्टिगेशन करा और कंफर्म हो गई, तब कहा उनसे जल्लादों से अपने कि इनको चारों को फांसी दे दो। ठीक, चारों फांसी के लिए चले गए, एक एक करके तीन को फांसी दे दी गई। चौथे ने सोचा कि मृत्यु दंड तो है ही, क्यों नहीं मृत्यु दंड से पहले कुछ ऐसा प्रयत्न करें कि अगर प्रयास सफल हो तो बच जाएंगे, अदरवाइज मृत्यु दंड तो मिलना ही मिलना है। उसमें उसने कहा, रे जल्लादों, मुझे फांसी दे रहे हो, फांसी देने से पहले राजा से मेरी एक बात कह दो कि मुझे एक ऐसी विद्या आती है जिसमें सोना बोया जाता है और उसके पेड़ उगते हैं और फिर उस पर सोना ही एज ए फल आता है उसमें। जल्लादों ने जाकर जल्दी से राजा से कहा, राजा ने कहा नहीं, फांसी मत चढ़ाओ, उसे लेकर आओ मेरे पास। उसे लाया गया। चोर ने कहा कि हाँ राजन, मैं जानता हूँ। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ नूर, फिर बताओ। राजा ने कहा तो फिर सोना बोइए। चोर ने कहा ठीक है, आप सोना लाइए। सोना आया, चोर ने सोने को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई। उन गोलियों को लेकर एक खाली जगह पर गया, उसने अच्छे से खेत तैयार किया बढ़िया से, और जैसे ही खेत तैयार हो गया पूरा, उसने कहा राजन, खेत और बीज तैयार हैं, आप बोने वाला दीजिए। राजा ने कहा कि ये तो आप क्यों नहीं बोते, आप ही बो दीजिए। बोले राजा साहब, अगर मैं बो सकता था तो फिर मैं चोरी क्यों करता, मैं तो सोना बोता, सोना उगता, और फिर मैं सोना, मैं बहुत पैसे वाला होता मैं तो। तो राजा ने कहा फिर, बोले इसे सिर्फ वो ही बो सकता है जिसने कभी जिंदगी में चोरी नहीं करी हो, तभी इससे पेड़ उगेंगे और उस पर सोना आएगा, अदरवाइज पेड़ उगेंगे ही नहीं। तो चोर ने कहा राजा साहब, आप सबसे बड़े हैं, आप ही बो दीजिए। तब राजा ने कहा नहीं, मैंने जो है कुछ बचपन में अपनी मदर के लड्डू जो है चोरी करके खा लिए थे, लिहाजा मैं नहीं बो सकता, मैं चोरी करी थी। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने भी किसी ने कहीं किसी भी दर्जे में चोरी करी हुई थी, वो भी नहीं बोल सके। फिर सिपाहियों से कहा, फिर आम जनता से कहा, फाइनली सारे लोग चोर थे। जब तब चोर ने राजा से कहा, राजा साहब, जब सारे ही लोग चोर हैं तो फिर मुझे चोरी की सजा क्यों दी जा रही है, मुझे फिर जब सभी चोरी कर रहे हैं, सबने चोरी करी है, तो मुझे सजा कैसी सजा। तब राजा उसकी इस प्रयास से बहुत खुश हुआ और उसने उसको अपने पास एज ए हंसाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए उसने अपने पास रख लिया और उसको मृत्यु दंड नहीं दिया। कहानी का तात्पर्य ये है कि कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी काम में किसी भी मौके पर कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए, उम्मीद है कि वो सफल जरूर होगा। अच्छा, और हमें क्यों सुनाई तुमने ये कहानी? फिर आपको इसलिए सुनाई थी, वो उस वक्त जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, वो रैक बना रहे थे हम, तो वो रैक तैयार हो चुका था, उसमें बस प्लेटें लगनी थी। तब मैंने कहा था, ममता जी खेत और बीज तैयार है, आप जो है इसमें
सोना बो दो। सोना बो दीजिए। थैंक यू सो मच नूर, और बहुत मजा आया दोस्तों। और अब अक्सर जो है मैंने ये देख लिया कि नूर काफी अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं हम लोगों को, और ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोगों को हैंडल करते हैं कैसे काम करना है क्या करना है, और लास्ट में बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं हम लोगों को। तो नूर अक्सर ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे। और बहुत ही जल्दी जो है नूर क्यों फेमस है हमारी इंडस्ट्री में, कॉन्जर्वेशन फील्ड में, दोस्तों आप किसी से भी पूछ लीजिए, इसका नाम सबको पता रहता है। तो क्यों है ये भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल मेरे व्यूवर्स को नमस्ते नमस्ते।